कल हाल ही में हमने देखा था प्रियंका का एक मैसेज आया है, हाल ही में भी वो मुंबई भी आए है, लेकिन उसने उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो स्पेस मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने हॉलीवुड में एंजॉय किया। आपको क्या लगता है स्टिल बॉलीवुड में जिस तरीके से लोगों को मिलना चाहिए स्पेस, उनको अपने काम दिखाने का मौका मिलना चाहिए, उनको कॉर्नर किया जाता है, इज इट सो इट इज ट्रू स्टिल? ये प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि उनको मौका नहीं मिला क्या? उनको मौका नहीं मिला जिस तरीके से माहौल ग्रुपिज्म चल रही है, हाँ, उसे वो कहीं ना कहीं साइडलाइन महसूस कर रही थी, इसलिए उनको हॉलीवुड चली गई, ऐसा होना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उनको मौका नहीं मिला। करण जौहर ने, शाहरुख खान ने, अक्षय कुमार ने, सभी बड़े बड़े कलाकारों ने, निर्देशकों ने, निर्माताओं ने उन्हें एक नहीं कई मौके दिए और उन्होंने बहुत अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से उन मौक़ों का पूरा फ़ायदा लिया अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे ख्याल से उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए बॉलीवुड को, बॉलीवुड के तमाम कलाकारों को जिनके साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला, और ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है तो उन्हें नाखुश होने की कोई वजह नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अच्छी फिल्में की हैं और दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है, तो ऐसे में अगर आप ये बोलते हैं कि अरे बॉलीवुड ने मुझे काम मौका नहीं दिया, काम नहीं दिया, ये गलत होगा। ये डायलॉग मुझ पर सूट करता है। अगर मैं आपके सामने बैठ कर ये बोलूँ कि बॉलीवुड ने मुझे मौका नहीं दिया, आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा जैसे मंजे हुए कलाकार अगर ऐसा कहते हैं तो फिर हम क्या बोलें? तो नहीं, उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। और कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो आप अपने सारे ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए, अनगिनत ब्लेसिंग्स ईश्वर ने आपको दिए हैं, एंड आज आपके पास एक लविंग हस्बैंड हैं, पति हैं, बेबी गर्ल हैं और परिवार है, तो ऐसे में नाखुश होने की कोई वजह नहीं है।